नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया स्टेशन पर उपस्थित हूं, और इस छोटे से गांव से बहुत छोटी छोटी बच्चियां मैं अभी बात कराऊंगा। यहां से निकलकर स्टेट लेवल के खो खो प्रतियोगिता में उन्होंने जीत हासिल कर आज वापस अपने गांव पर आई हैं, स्टेशन से उतरी हैं, और तमाम जो जनता है गांव के, जो उनके गांव के रहने वाले, उनके परिवार के सारे लोग आज उस बच्चियों को रिसीव करने के लिए आए हैं, और उनसे मैं बात भी कराऊँगा आपसे। और फिलहाल क्या रहा उनकी उपलब्धियों के बारे में मैं उन्हीं से जानूंगा। क्या नाम है बेटा? शिवांगी यादव। कहाँ ये खेल प्रतियोगिता तो जो तुम्हारी हुई है वो कहाँ हुई? जिला अयोध्या। अयोध्या में? अयोध्या में जो तुम्हें प्रमाण पत्र मिला, थोड़ा ऊपर करके इसको दिखाओ, और मेडल ये किस प्रतियोगिता के तहत तुमको मिला है? खो खो। खो खो में कौन सा स्थान आया है? सेकेंड स्थान आया स्टेट लेवल पे, सिल्वर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सोनम चौहान। सोनम, तुम भी खो खो प्रतियोगिता में थी? यस। कौन से विद्यालय से आप लोग यहाँ से गए थे? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चियाँ हैं, थोड़ा सा घबराहट हो, बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। मैं बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और मेरा आशीर्वाद है कि नहीं लड़कियाँ जो आगे बढ़े, सशक्त बने, निडर बने, और इसी का एक छोटा सा उदाहरण इन बच्चियों के द्वारा, जो बच्चियां आज अपने इस उम्र के हिसाब से बता सकता हूं कि इतनी छोटी बच्चियां जो यहां से निकल के अयोध्या जैसे जगह पे जाती हैं और सिल्वर मेडल लाती हैं, और अपने जिले के सहित अपने गांव का, अपने समाज का सम्मान और मान बढ़ाती हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई इनको देता हूं। और इनके साथ मेरे सहयोगी में इनको उत्साहवर्धन के लिए जो कुछ लोग आए हैं मैं उनसे भी बात कराऊँगा। क्या सर, क्या नाम है आपका? राम प्रवेश गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष जखनिया, समाजवादी पार्टी। क्या आज कार्यक्रम रहा, बच्चियां आई हैं आज, आप लोग इतनी संख्या में आज आए हैं? देखिए, हमारे फुलचंद इंटर कॉलेज जाए कि गांव से दोनों लड़कियां पढ़ रही थी, दोनों शिवांगी यादव और सोनम चौहान है, दोनों लड़कियां खो खो प्रतियोगिता में अयोध्या गई थी, वहां से इन्होंने सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल जीतकर हमारे गांव का और हमारे जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। इसी तरह से हम इनकी भविष्य की कामना करेंगे कि इसी तरह से मेहनत करती रहें और आगे बढ़ती रहें, हमारे गाँव का नाम रोशन हो, हमारे ज़िले का नाम रोशन हो, और लड़कियाँ आप भविष्य में आगे बढ़ें। हम लोग सहयोग में इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और हमारे जो स्कूल के संचालनकर्ता प्रबंधक हैं हमारे महातिम यादव जी, बहुत ही बच्चों पर ध्यान देते हैं और बच्चों को बहुत ही गौर से, क्योंकि हमारे गांव में जितने बच्चे पढ़ते लिखते हैं इनके स्कूल के ऊपर, सभी के पास जाते आते हैं, और सभी से, क्योंकि इनके साथ दो लड़कियाँ और भी खेलती थी, उनके माँ बाप से इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपने लड़कियों को भेजें, लेकिन उन माँ बाप को मालूम नहीं, क्या समझ में नहीं है, लेकिन समझना चाहिए इन बच्चों के भविष्य के लिए। माँ बाप को भी जागरूक होना चाहिए कि स्कूल का प्रबंधक आकर समझाता है तो किस लिए समझाता है, इनको अपने बच्चे को नहीं भेजा। देखिए, दोनों बच्चियाँ, दोनों माँ बाप यहाँ पे मौजूद भी हैं, और गई और हमारे जिले का और अयोध्या में गोल्ड में सिल्वर मेडल जीत कर लाई। आज उन लोगों को ये महसूस होता होगा कि हमारी भी बच्चियाँ दोनों जाती तो हमारे गाँव का और हमारे ज़िले का नाम रोशन होता, और हम लोग को भी लोग पूरे गाजीपुर ज़िले में, पूरे प्रदेश में लोग जानते कि हमारी भी बच्चियाँ पढ़ने लिखने में तेज हैं और उनका मान सम्मान बढ़ता। लेकिन वो लोग अभिभावक समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या होगा। आज इनके अभिभावकों से लोग आप पत्रकार के माध्यम समझेंगे तो अभिभावक बताएंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए इनके अभिभावक कितने अच्छे सोच के। बहुत ही खुशी का माहौल है, और शायद मैं ये कहूँ कि बच्चियों का कम से कम इतनी संख्या, हम लोग ताली तो बजा दें कम से कम उत्साहवर्धन इनका हो। आप लोग बहुत देर से सुन रहे थे इस इनकी बातों को, और मैं ये भी जान लूंगा कि इनके माता पिता शायद यहाँ आए हैं कि नहीं आए, वो भी आगे आ जाए। इनके पिताजी कौन है? इनके पिताजी और मेरे साथ और लोग भी हैं यहाँ जुटे हैं, सुबह से ही आगे इनका वेट कर रहे थे। भाई साहब अपना परिचय दे। देखिए, मेरा नाम उदेश यादव राजू, मैं समाजवादी पार्टी का जखिया विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे सर बच्चियों के आज? देखिए, आज बहुत खुशी की दिन है, और सबसे पहले तो मैं विद्यालय के प्रबंधक, प्रचार और इन छात्राओं को दिल की असीम गहराई से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि ये बच्चियां ने जाकर हमारे क्षेत्र का और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया। और आपको पता होगा कि खो खो एक ऐसा खेल है जो शहरों में खेला जाता था, और आज ग्रामांचल के विद्यालयों में इसकी प्रशिक्षण देकर इन बच्चियों को जिले से
जो खो खो जिले से स्टार्ट होता है और जिले से बच्चियों ने अपना प्रतियोगिता दिखाकर अपनी शक्ति दिखाकर अपनी ऊपर, अगर कहा जाए कि अगर ये इन छोटी बच्चियों को देखा जाए इनकी इतनी कम उम्र में अगर यहाँ से स्टेट लेवल पे अगर ये पहुँच रहे हैं और वहाँ से पार्टिसिपेट करके अगर ये जीत कर आ रही हैं तो इन बच्चियों से सीखने की जरूरत है कि छोटे से अंचल से अगर लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं और ये उपलब्धियों को हासिल हो रही है तो ये कहीं ना कहीं से हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गाँव के लिए बहुत गर्व की बात होगी। देखिए, हमारे गाँव हमारे क्षेत्र के एक गर्व की बात है और ये बच्चे ने ये करके दिखाया कि जो भी बच्चा, जो भी छात्र और छात्राएं मेहनत करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये बच्चियां जो हमारे ग्रामांचल में जो हमारे गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए या तो खेलने के लिए, और इनके माँ बाप ने ये भेज कर यह साबित कर दिया कि गाँव के बच्चे भी वह हुनर दिखा सकते हैं जो राज्य में और केंद्र में अपना नाम स्थापित कर देंगे। और ये बच्चियों ने करने का काम किया और आपके बीच में जब पता चला कि दो बच्चियां हमारे क्षेत्र की खो खो स्टेट खेलकर सिल्वर मेडल करने के लिए आया, और मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि हमारे क्षेत्र के सभी छात्र और छात्राएं हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें और खेल में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर क्षेत्र का नाम और ब्लॉक का नाम रोशन करने का काम करें। धन्यवाद। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि इनके पिताजी भी अगर यहाँ पर हो या उनकी माताजी हैं, आप इनके पिताजी हैं, क्या आज आपको लग रहा है कि लड़कियां आज आई हैं स्टेट खेलकर? आज हमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमारी बेटियां जो गई थी आज अच्छा परफॉर्मेंस करके आई हैं, अच्छी खेल के आई हैं। और मैं सोचूंगा चाहूँगा कि आगे तक ये ऐसे ही करें और ऐसे ही करते रहें। मैं इनका आगे तक की सपोर्ट करता हूं और करते रहूंगा। आज आपको क्या लग रहा है कि छोटी बच्चियां हैं और स्टेट खेलकर सिल्वर मेडल जीत कर आई हैं और कहीं ना कहीं से लड़कों का जो नहीं हो पाता है वो लड़कियों ने, छोटी बच्चियों ने कर दिखाया, इस पे थोड़ा सा भावुक भी हो रहे हैं? हाँ, भावुक हो रहा हूँ, खुशी का भावुक है कि जो बेटा नहीं कर पाया वो बेटी करती है, तो कहावत भी है और करके दिखाती भी है बेटियाँ। मैं सोचता हूँ कि बेटी करे और आगे। ये इनके पिता हैं और इन थोड़ा सा भावुक भी नजर आ गए कि नहीं, बच्चियों ने जो करके दिखाया, छोटी बच्चियां, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से गांव अंचल से जो लड़कियां, छोटी बच्चियां उठकर जाती हैं और स्टेट लेवल पे अपना नाम रोशन करके आती हैं तो कहीं ना कहीं खुशी का वह इजहार रहेगा, माँ बाप के अंदर वह खुशी आ जाती है। और जो इन्होंने कर दिखाया, मैं यही कहूँगा चैनल के माध्यम से इनके पूरे परिवार को, सारे लोगों को मैं बधाई दूंगा कि इन बच्चियों का हौसला बढ़ाने के लिए इतनी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इसी तरह गाँव की बच्चियाँ आगे निकलें और अपना देश में और प्रदेश में नाम रोशन करें। एक और हैं, अभिभावक हैं इनके, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? बनारसी। आपकी बच्ची है? कैसा लग रहा है आप? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सुबह से ही आप यहाँ आ गए थे? बहुत खुशी है हमके, बहुत धन्यवाद है, खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सहयोग है कि खूब बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बच्चियां आज स्टेट खेलने गई थी, जिस विद्यालय से इनको भेजा गया था उस विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंधक दोनों लोग यहां मौजूद हैं, मैं उनसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा और सीधा मैं उनसे बात करा रहा हूं। क्या नाम है सर आप? मैं मातिम यादव, प्रधानाचार्य श्री फूलचंद यादव, इंटर कॉलेज जाए जोटना गाजीपुर। हमारे स्कूल की दो छात्राएँ जो स्टेट लेवल में खो खो खेल कर आई हैं और सिल्वर मेडल जीत कर आई हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और हमारे विद्यालय के जो उनको खिलाने वाले टीचर, जो कोच जिसको कहते हैं, श्री अनुराग यादव जी और राहुल राजबल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गांव से उठाकर ले जाकर अब हमारे ज़िले का नाम रोशन करते हैं, मंडल का नाम रोशन करते हैं, प्रदेश में इन्होंने ऐसा इनको प्रतिभा किया कि ऐसा इनको तैयार किया कि आकर जो है यह प्रदेश में दूसरा स्थान लाई। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ और आशा और विश्वास आप लोग को भी दिलाता हूँ कि आप लोग यह अगले बेर इतना कड़ी मेहनत करें कि ये नेशनल भी खेलें लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जो कहा कि इनके विद्यालय से जो लड़कियां गई हैं और वह आज स्टेट लेवल से नहीं वो नेशनल तक पहुंचे और इनका यह प्रयास रहा है कि नहीं बच्चियों को आगे बढ़ाने में, और यह और साथ में इनके जो कोच हैं मैं उनसे भी चाहूंगा कि आओ तुम लोग दोनों कोच हैं। मैं राहुल राजभर,
इन खो खो टीम का मैनेजर हूँ और हमारे सहयोगी हैं खो खो के कोच अनुराग यादव। हम लोग पहले ये सोचते थे कि भाई या सुनते थे कहीं कि इस जिले के लड़के या इस जिले की लड़कियां स्टेट लेवल पे पहले नंबर पे आए हैं, दूसरे पे या तीसरे पे, तो हम लोग फिर सोचे कि क्यों नहीं हम लोग अपने लड़कियों को या चाहे लड़कों को लेके जाएं। तो एक बार प्रयास किया गया और प्रयास में हम लोग सफल हुए, बस और कुछ नहीं करना चाहता। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लो पानी।